Hello students, today I have brought a very wonderful poem, The Ball, written by John Barryman for the students of class 10. Why I said this poem is wonderful, because this poem gives a very wonderful message. इस poem में पहले मैं आपको brief बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि message भी क्या है. जैसे मैंने आपको बताया The Ball poem, जिसके कि poet हैं John Barryman. इस पोयम में हम एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बॉल गुम गई है, और वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने बॉल को लेके, और बहुत ज़्यादा उसको दुख हो रहा है, वो बॉल उसकी गुम चुकी है. अब हम पढ़ेंगे इस पोयम में कि उसको कैसे लगता है, और ये बॉल पोयम में हमें क्या मैसेज सीखने को मिलता है. तो ये जो हमारी बॉल पोयम है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं. पहले हम पोएम समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगी फिर आप लोगों को वो इजी लगेगा. एक लड़का है, उसकी बॉल गुम चुकी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. जबकि बॉल का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, उसको हम बॉल ला के दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो लड़का है वो इस चीज़ को अनुभव करे कि जब कोई चीज़ घूमती है तो कैसा लगता है, और उस चीज़ की जो जिम्मेदारी है, उस चीज़ का जो जिम्मेदारी उसको संभालने की, वो भी उस बच्चे की थी. उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हम अपने प्यारी चीज़ की कदर नहीं करते हैं तो वो टूट जाती है, वो गुम जाती है. इस बात का अनुभव वो बच्चे उस बच्चे को हो रहा है. अब देखते हैं क्या हुआ. हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. अब उस बच्चे का क्या होगा, अब उसको कैसे लगेगा जिस बच्चे की वो प्यारी सी जो बॉल है वो खो चुकी है. अब इस पोयम में जो बॉल है वो केवल एक बॉल के लिए यूज़ नहीं किया है वर्ड. यहाँ पे बॉल का मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इंसानों की जो चीज़ें खो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसकी साइकिल हो सकती है, बहुत डैमेज हो सकती है किसी भी इंसान की. किसी इंसान की बहुत अच्छी, किसी लेडी की बहुत अच्छी साड़ी हो सकती है, वो बर्बाद हो सकती है. किसी इंसान की बहुत अच्छा लैपटॉप है, वो ख़राब हो सकता है. तो यहाँ पर बॉल का मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और यहाँ पे बॉल का मतलब ये भी है बचपन, कि उस बच्चे का बचपन गुम चुका है. यहाँ पे बॉल का मतलब उस बच्चे के फादर से रिलेटेड भी है. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इस बच्चे को कैसा लगेगा, इसका क्या होगा, जिसकी प्यारी सी गेंद खो चुकी है. व्हाट इज ही टू डू आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देर इट इज़ इन द वॉटर. कहते हैं क्या क्या होगा, अभी लड़का क्या करेगा. बच्चों इस लाइन में, सेकेंड लाइन जो है, इसमें आपका जो व्हाट वर्ड है दो बार रिपीट हो रखा है. जब आपका कोई भी वर्ड रिपीट होता है, कोई फ्रेज रिपीट होता है, कोई लाइन रिपीट होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, तो वहाँ पर हम रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पर व्हाट वर्ड रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है. मैं साथ साथ आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊँगी. कहता अभी लड़का क्या करेगा, वो तो बस देख रहा है. वो देख रहा है कि जो उसकी बॉल है वो उछलती हुई, खुशी से उछलती हुई बॉल गई, और वहाँ आसपास कोई पानी का सोर्स होगा, उस पानी में जाके वो बॉल गुम चुकी है. हो सकता है पानी का वहाँ पे गड्ढा हो सकता है नहर हो सकता है कैनाल हो, पानी का एरिया है, और वहाँ जाके बॉल गुम चुकी है. थर्ड लाइन को बहुत ध्यान से देखना बच्चों. मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर आई सॉ इट गो. बच्चा कह रहा है कि मैंने, इट का मतलब यहाँ पे बॉल है. अब जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. ठीक है, मानवीयकरण अलंकार हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. अब मुझे बताइए बॉल कैसे खुश हो सकती है, लेकिन बता रहे हैं कि जो बॉल है वो खुशी से उछलते हुए, जो बॉल है, बाउंसिंग का मतलब होता है उछलते हुए, मेरिली का मतलब हैप्पीली. अब वो जो बॉल है खुशी से उछल रही है, और उछलते हुए वहाँ पे जो कोई पानी का सोर्स है, कोई गड्ढा है, वहाँ जाके वो गुम जाती है. तो अब क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है उसको कहा गया है मेरिली, वो बाउंस कर रही है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन. लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे होगा पर्सोनिफिकेशन. हमारा फर्स्ट स्टैंजा हमने समझा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट करते हैं. नो यूज टू से Oh, there are other balls. An ultimating shaking grief fixes the boy. अभी कहते हैं कि ऐसे बताने, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
हम उसको नहीं कहेंगे कि अरे परेशान मत हो, बहुत सारी बॉल तुझे खरीद के दे देंगे। कहता है इसका ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो बॉल थी उसकी जगह दूसरी बॉल नहीं ले सकती, क्योंकि उस बॉल से उस बच्चे की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो बॉल उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो हम उस बच्चे को ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं, ये बॉल घूम गई तो घूम गई, हम तुम्हारे लिए दूसरी बॉल लेके आएंगे। कहता है ऐसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, इन सब का मतलब दुखी होता है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। अभी कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, दुख ने उसको घेर लिया है, अल्टीमेट ग्रीफ मतलब दुख ने उस बच्चे को घेर लिया है, और वो बच्चा है चुपचाप मोशनलेस खड़ा है, और वो घूर रहा है उस जगह को, घूर रहा है जहाँ उसकी बॉल जाके घूम गई है, जहाँ जाके उसकी बॉल गिर गई है पानी के गड्ढे में, उस जगह को वो घूर रहा है। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना। ऑल हिज यंग डेज इन टू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अभी कहते हैं कि जहाँ उसकी बॉल गई, जहाँ उसकी बॉल खो चुकी है, उस बॉल के साथ साथ उसकी अच्छी अच्छी यादें, उसके बचपन की यादें, उसके अच्छे अच्छे लम्हे, वो सब भी उस बॉल के साथ समाप्त हो चुके हैं, उस बॉल के साथ उसकी खुशनुमा यादें भी बर्बाद हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे बेटा हमारे पास कोई अच्छी सी चीज़ होती है, हम उसको देखते हैं तो बार बार हमें हमारे वो अच्छे पल याद आते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग एल्बम देखते हो, तो एल्बम में आप जब वो कोई फ़ोटो देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हैं अरे उस दिन हमने ये ड्रेस पहना हुआ था, हम वहाँ पे गए हुए थे, यहाँ पे ये वाला एरिया था। तो ये चीज़ें हमें हमारे अच्छे वाले पास से जोड़ती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वो जो बॉल है उसके साथ साथ, क्योंकि बॉल घूम चुकी है, तो उस बॉल के साथ साथ इस बच्चे की जो बेहतरीन यादें थी, खुशनुमा यादें थी, खुशहाल बचपन था, वो भी पानी के गड्ढे में, पानी के सोर्स में जाके घूम चुका है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। कहते मैं उसको दखल नहीं दूंगा, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब जिन ख्यालों में खोया हुआ है, वो जिस दुख में खोया हुआ है, कहते मैं जाके उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। डाइम होता है करेंसी, US में क्वाइन के लिए, करेंसी के लिए हम डाइम वर्ड यूज़ करते हैं। अब पॉइंट कह रहा है कि हम बॉल पैसे से दूसरी बॉल भी उसको खरीद के दे सकते हैं, लेकिन ये यूजलेस है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस बॉल के साथ जो ये यादें जुड़ी थी वो यादें दोबारा नहीं आ सकती, वो बॉल दोबारा नहीं आ सकती। तो नई बॉल उस पुरानी बॉल को, जिससे कि चाइल्ड बच्चा प्यार करता था, उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो हम इस बच्चे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा एक डाइम का एक बॉल आ जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम नाराज मत हो। कहता हमें ऐसा नहीं कहना, हमें उसको ऐसा नहीं कहना, हमें उसको ये महसूस करना, उसको ये महसूस करने का आज़ादी देना चाहिए, उसका ये चांस देना चाहिए, उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसकी एक प्यारी सी चीज़ थी वो घूम गई है। और जब कभी भी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो हमें इस सिचुएशन में अपने आप के ऊपर काबू रखना होता है, हमारी जो चीज़ घूम जाती है हमें ये भी ज़िंदगी में सहना है कि हमारी बहुत प्यारी चीज़ अगर घूम जाए तो भी हमें टूटना नहीं है, हमें दुखी नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, हमें अंधेरे में नहीं घिरना, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये हमारा सेकंड स्टैंजा था स्टूडेंट्स। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। अब ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो बॉल उस बच्चे की है, तो ये उस बच्चे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको महसूस हो रहा है कि इस बॉल की हिफाजत करना भी मेरा कर्तव्य था, हमें ये मौका उसको देना चाहिए कि उसकी लापरवाही के वजह से अब वो बॉल घूम चुकी है। और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अब यहाँ पे एक फ्रेज जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, आप इसको अंडरलाइन करो, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा 101% आना होता है। अगर इस पोएम से वो लोग कुछ पूछते हैं तो 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं, आप इस फ्रेज को अंडरलाइन कीजिए। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो ये हमारा संसार है ये काफ़ी सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरा हुआ है। आजकल हर इंसान को चीज़ें
इकट्ठा करने का लालच है, ग्रीड है, आकांक्षा है। अगर हमारा घर 2 रूम बेडरूम है तो हम सोचते हैं हमारा 3 रूम है। हमारे यहाँ पे कूलर है तो हम हमारे घर पे मान लीजिए कूलर है तो हमें चाहिए और भी बेहतरीन होना कूलर होना चाहिए। हमारे पास फोन है तो हमें चाहिए और हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इन विच वी ऑल आर लिविंग, द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स विच मेक्स अवर लाइफ लग्जीरियस, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस सामान से भरी हुई दुनिया में इस बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि बॉल की हिफाजत करना इसकी जिम्मेदारी की जो ये नहीं कर पाया। पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ इस लाइन में बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पे जब हम किसी भी पोयम में जब हम किसी एक ऐसी चीज़ को संबोधन करते हैं, एड्रेस करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या वो जो चीज़ वो डेड हो चुकी है, तो जहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न हो पोयम में तो वहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। वहाँ पे हम एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो कि प्रेजेंट नहीं है या वो चीज़ डेड हो चुकी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अरे लड़के बॉल तो तुम्हारे पास है और बॉल तो घूमेंगी। अब यहाँ पे बॉल का मतलब केवल बॉल नहीं है, यहाँ पे बॉल का मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमारे पास जो चीज़ें होती हैं। तो कोई भी चीज़ जो संसार में है उसका बर्बाद होना निश्चित है, उसका डैमेज होना निश्चित है। कोई भी जो थिंग्स होती हैं ये मॉर्टल होती है, मॉर्टल का मतलब नश्वर होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। सो यहाँ पर हम अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लिटिल बॉय यहाँ पे यूज़ कर रखा है कि बॉल तो हमेशा घूमेंगे, हे लड़के को संबोधन कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, मनी इज इटर्नल। अब वो ये कह रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर बॉल है वो तुमको कोई लाके नहीं दे सकता, मतलब कोई भी बिलव्ड चीज़ होती है हमारी वो डिटो हमें नहीं मिल सकती। जो चीज़ होती है नश्वर होती है, हाँ अगर कोई चीज़ संसार में अनश्वर है, इटर्नल है, तो वो मनी है। मतलब पैसा एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारा फ्रिज खराब हो गया तो हम नया फ्रिज ला सकते हैं, हमारा बेड खराब हो गया तो हम नया बेड ला सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है वो मोर्टल है, वो नश्वर है। मनी इटर्नल है, ये इमोर्टल है, ये नश्वर नहीं है। लेकिन मनी भी हमें वही चीज़ वापस नहीं दिला सकती, केवल रिप्लेस करवा सकती है। हम नए खरीद के ला सकते हैं लेकिन वो चीज़ हमारे पास वापस नहीं आ सकती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन करो। मनी इज इटर्नल, हम कहेंगे मनी इज इटर्नल मीन्स दैट मनी इज इटर्नल, मनी कैन रिप्लेस द थिंग्स, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू मच पावर एंड विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन रिप्लेस एनी थिंग, वी कैन परचेज एनी थिंग, दिस वी हैव टू राइट इन केस इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात हमें पोएम में पता चल रही है कि जो बच्चा है वो बहुत बड़ी बात जिंदगी में सीख रहा है। वो सीख रहा है दुख भरी आंखों से, दुख के साथ वो ये सीख रहा है कि जब हमसे जिंदगी में हमारी प्यारी सी चीज़ खो जाती है, छिन जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो हमें उस भावना को कैसे काबू में लाना है, हमें उस सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करना है, हमें उस बात को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि हमारी जो वो चीज़ है वो टूट चुकी है, वो चीज़ हमारी गुम हो चुकी है। तो हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें गम के अंधेरे में खोना नहीं है, हमें उस नुकसान को सहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये वो बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। सो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है लॉस को वो सीख रहा है, लॉस की वो नॉलेज ले रहा है। ही इज़ हैविंग अ नॉलेज ऑफ लॉस कि लॉस क्या होता है, जब कोई चीज़ घूमती है तो हमें कैसा महसूस होता है, जब हमारी प्यारी चीज़ हमसे छिन जाती है तो हमें कितने मुश्किल से अपने ऊपर काबू करना है, संयम रखना है और उस दुखद घड़ी से हमें बाहर निकलना है।
सो आपको ये वाला फ्रेज भी अंडरलाइन करना चाहिए, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स द नॉलेज ऑफ लॉस. Boy is also learning that when our beloved things are lost, damaged, perished, then also we should not lose heart. We should accept that situation and with determination, with passion, we should go ahead in life. So this kind of answer you have to write. Knowing what every man must one day know. And most know many days how to stand up. अभी हर इंसान को जिंदगी में ये सीखना है हर इंसान को जिंदगी में ये सीखना है कि जब कभी भी उसकी प्यारी वस्तु का डैमेज हो जाता है, वस्तु के अलावा रिश्ते भी होते हैं, हमसे हमारे प्यारे प्यारे रिश्ते छिन जाते हैं, ना अकाल मृत्यु हो जाती है घर में, कई लोगों के मदर, किसी लोगों के फादर, किसी लोगों के ब्रदर, ये इंसान का भी लॉस हो सकता है, जिंदगी का भी लॉस हो सकता है, सामान का भी लॉस हो सकता है. तो हमें ये पोएम इतना अच्छा मैसेज दे रही है कि कितनी भी प्यारी वस्तु, कितना भी प्यारा जीव, कितना भी प्यारा रिश्ता अगर हमसे छिन जाता है तो हमें उस हालात में अपने ऊपर काबू पाना है. हमें गम के बादलों में डूबना नहीं है, हमें शोक नहीं करना, हमें उस गम से हिम्मत से उस गम का सामना करना है, उस हालात को अपनाना है और मेहनत के साथ, आशा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. क्योंकि बिछड़ना, चीज़ों का टूटना, रिश्तों का खोना, किसी भी दिल से लगे हुए व्यक्ति, मतलब जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उनका मरना, ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. हम इससे दूर नहीं हो सकते, बस हमें परिस्थिति के हिसाब से इन कठिनाइयों का सामना करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. तो इसीलिए मैंने बच्चों कहा था कि ये हमारी पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ जो मैंने लिखा है वो मैं ओरली आप लोगों को बता चुकी हूँ ट्रांसलेशन के दौरान, पोएम को समझाने के दौरान. फिर भी आप इसमें जल्दी हम एक ब्रीफली डालते हैं नज़र. मैसेज है एक पोएम का, क्या मैसेज है. इट गिव्स अ वंडरफुल मैसेज दैट लूजिंग थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. व्हेन आवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गेट्स लॉस्ट, वी शुड एक्सेप्ट द लॉस एंड कैरी ऑन लाइफ विद मोर पैशन. मैंने थोड़ा छोटा लैंग्वेज में बनाया ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो. आप इसको जूम करके भी देखिएगा. लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको कहा पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि जो बॉल है उसके लिए कह रखा है कि वो खुशी से बाउंस करती हुई जा रही है. मेटाफर, क्योंकि जो बॉल है उसका कंपैरिजन किया हुआ है पजेशन से, वस्तुओं से, बचपन से, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर है. नेक्स्ट एपिस्ट्रॉफी, जैसे मैंने आपको कहा था, किसी भी पर्सन, एबसेंट थिंग या डेड पर्सन को जब हम संबोधित करते हैं तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता है. यहाँ पर फिलहाल बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, ये लिटिल बॉय है इसको संबोधित किया हुआ है, इसलिए हमारा अपोस्ट्रोफी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन. रिपीटेशन होता है जब कोई वर्ड रिपीट होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वर्ड है ये रिपीट हो रहा है इसलिए. ऑलिट्रेशन, जब हमारा सेम साउंड के जो कंसोनेंट्स वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं उसके लिए हम ऑलिट्रेशन यूज करते हैं. जैसे Who has lost his ball? H sound repeat हो रहा है. One buys the ball back. B sound repeat हो रहा है. More by mind and my. M sound repeat हो रहा है. तो alliteration अलंकार है. Enchantment क्या होता है students? ये थोड़ा important है हमारे लिए. Enchantment वो होता है जब हमारी poem में line का end हो रहा है लेकिन हमारा line grammatically end नहीं होता. हमारी line without pause के next line में जाके end करती है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एंजैपमेंट. मतलब पोयम में तो वो उस पोयम की लास्ट लाइन है लेकिन ग्रामेटिकली हमारी जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में, पोयम के नेक्स्ट लाइन में जाके एंड करती है. तो अगर इस प्रकार हो रहा है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा एंजैपमेंट. जैसे आई सॉ इट गो मेरिली डाउन, हमारा यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ है पोयम में लेकिन एक्चुअली ये नेक्स्ट लाइन में खत्म हो रहा है. आई सॉ इट गो मेरिली डाउन द स्ट्रीट, सो नेक्स्ट लाइन में हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है. तो इस प्रकार क्या होता है, कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन. लाइन के एंड के बाद भी जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू हो रहा है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एंजैपमेंट. नेक्स्ट है इसमें सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है, अलंकार होता है जिसमें हम
कोई पर्टिकुलर चीज जो होती है वो सिंबलाइज करती है, वो हमने किसी चीज के लिए यूज किया होता है, वो कोई आइडिया हो सकता है, वो कोई क्वालिटी हो सकती है, वो कोई थीम हो सकती है। जैसे हमारी इस पोयम में जो बॉल्स है, जो बॉल वर्ड है, ये सिंबलाइज कर रहा है बचपन को, ये सिंबलाइज कर रहा है पोजिशंस को, हमारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को, और फादर ऑफ अ पोएट और इस बच्चे के पापा को भी सिंबलाइज कर रहा है। सो सिंबलिज्म भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज किसी और आइडिया के लिए, किसी और थीम के लिए यूज की होती है। जैसे यहाँ पे हमने बॉल्स यूज कर रखा है बचपन के लिए, हम जो सामान पोजिशंस मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, और फादर ऑफ अ पोएट भी। थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मनी इज इटर्नल, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी यूज टू रिप्लेस एनीथिंग। बॉल्स विल बी लॉस्ट, बॉल्स मीन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर बाउंड टू बी लॉस्ट। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द बॉल, बट ड्यू टू हिज केयरलेसनेस ही हैज लॉस्ट इट। लास्ट है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, in a world of possession means materialistic world in which we all are living, and in this world it is full of materialistic things. Every human being is behind gathering materialistic things, behind holding things, मतलब मानव का जो व्यवहार होता है उसके अनुसार वो चाहता है कि वो काफ़ी सारे ऐश और आराम की चीज़ों को एकत्रित करे और अपनी ज़िंदगी को सुलभ बनाए, आरामदायक बनाए। सो बच्चों, आज हमने ये पोयम किया, द बॉल पोयम बाय जॉन बैरीमैन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक बेटा आप लोगों को मुश्किल है, विदाउट हेजिटेशन जस्ट फॉरवर्ड योर प्रॉब्लम टू मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।